लद्दे किस भाषा की कवयित्री थी? वह कश्मीरी भाषा की कवयित्री थी। ललद्य किस काव्यधारा की कवयित्री थी? वह संत काव्यधारा की कवयित्री मानी जाती हैं, यानी वह एक संत थी। और कवयित्री का जन्म कब हुआ? उनका जन्म सन 1320 में हुआ है। उनका जन्म कौन से ज़िले में हुआ? जन्म हुआ है पांपोर ज़िले में। उनका देहांत कब हुआ? देहांत हुआ है सन 1391 में। उनकी काव्य शैली जो थी वह है वाक् शैली। उनके वाद्यों का संबंध, वाक्यों का संबंध किससे है? जीवन से। वरद्य ने किस बात का विरोध किया था? धार्मिक आडंबर का। उन्होंने किस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया? भक्ति के मार्ग पर। कवयित्री ललद्य ने जीवन में सबसे मूल्यवान किसे बताया? प्रेम को। ललद्य का काव्य किन तत्वों से प्रेरित था? लोक जीवन से। ललद्य का काव्य किस भाषा का स्तंभ माना जाता है? आधुनिक कश्मीरी भाषा का। खा खा कर द्वार की पद्यांश का प्रमुख विषय क्या है? बाह्य आडंबरों का विरोध करना, यानी कि जो मनुष्य दिखावा करता है उसका विरोध करना। कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के अपने प्रयासों की उपमा किसे दी है? कच्चे सकोरे से उसने अपने प्रयासों को उपमा दी है, मिट्टी का सिकोरा जो होता है उससे। कवयित्री की कौन सी चाह घेरे हुए थी? उसे घर जाने की चाह घेरे हुए थी। ईश्वर के घर को वह अपना घर बताती है। कवयित्री ने मनुष्य को किस स्थिति में अहंकारी होने की बात की? ना खाने की स्थिति में। कवयित्री के अनुसार संभवी कैसे बन सकते हैं? सबके सबसे समान व्यवहार करने से हम संभवी बन सकते हैं। खुले की सौकल मंद द्वार की में द्वार की ओर संकेत किया गया है मन रूपी द्वार में। खुले की सांकल बंद द्वार की में सांकल से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर सांकल से तात्पर्य है मोह माया का जो बंधन होता है, यानी सांसारिक जो वस्तुएं होती हैं उनका बंधन होता है, उसे मोह माया का बंधन कहा जाता है। आई सीधी राह से, इसमें आने से क्या तात्पर्य है? जन्म लेना। जन्म लेना यानी सीधी राह से वह आ चुकी है। उसके बाद आपका प्रश्न आता है, आई सीधी राह क्या उतराई पद में मांझी किसे कहा गया है? यहाँ पर ईश्वर को मांझी कहा गया है। जेब टटोली कौड़ी ने पाई में कौड़ी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अच्छे कर्म के लिए। ललद्य के अनुसार शिव परमात्मा कहाँ बसता है? वह हर स्थान में रहता है। कवयित्री ने ज्ञानी किसे कहा है? जो स्वयं को जानता हो उसे ज्ञानी कहा है। ललद्य ने ईश्वर की पहचान क्या बताई है? आत्मा की पहचान को उसने ईश्वर की पहचान बताया था। रस्सी कच्चे धागे की कहने के पीछे कवयित्री का क्या आशय है? यहाँ पर सांस जो होती है, सांसों को कच्चे धागे की रस्सी के समान बताया है। इस प्रकार से वाक के यह प्रश्नोत्तर मैंने आपको बताए। यदि आपको किसी और पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।